और ये लीजिए मक्खन मार के विद फ्रेश क्रीम मखनी दाल एकदम बनकर रेडी है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मखनी दाल घर पर कैसे बनाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर राजमा और उड़द को अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें एक चम्मच नमक डालकर 3 गुना पानी डालकर इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये सुबह हमें अच्छी तरह से फूला हुआ मिले और उबालने में आसानी रहे। पूरी रात भिगा दिया था इसको, ये अच्छे से फूल गया है, इसको आप उबालने के लिए रखेंगे। इसमें चाहिए ये सब खड़े मसाले और साथ में अदरक लहसुन। सभी चीज़ों को कॉटन के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर कुकर में डाल देंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में डालेंगे देगी मिर्च और 3 गुना पानी, और साथ ही साथ डाला है हमने सरसों का तेल। कुकर का ढक्कन लगाकर अब इसको करीब आधे घंटे तक बॉयल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। उड़द और राजमा को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप इसको आधे घंटे तक ही उबालें। और दाल उबल जाने के बाद पोटली को इसमें से निकाल लें, जिसमें कि हमने खड़े मसाले और अदरक लहसुन डाला था, और इस तरह से चेक करके देखिए ये राजमा और दाल पूरा उबल चुका है। अब इसमें तड़का लगाने की बारी आती है। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं देसी घी। अगर आप इस दाल को देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और घी को अच्छे से पिघल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे जो पोटली में बांधा था अदरक और लहसुन, साथ में डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी का और छोटी इलायची एक, जो कि हमने उबलने में पोटली में बांध कर रखी थी, उसी को हमने यहाँ पर पीस कर छौंक करने में डाला है। साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, जिससे कि हमारी दाल में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ में डालेंगे कसूरी मेथी, देगी मिर्च, हल्दी, भुना हुआ जीरा, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। और इस बने हुए तड़के में डाल देंगे उबली हुई दाल, इसको अच्छे से चलाने के बाद हल्का हल्का इस तरह से मैश कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मैश कर दिया है, पूरा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मैश करना है। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी भर के दूध, और अब बारी आती है इसमें अमूल बटर डालने की। लगभग 50 ग्राम हमने इसमें अमूल बटर डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर नमक बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इसको बॉयल करने में भी हमने नमक डाला था और अमूल बटर के अंदर भी नमक होता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह भून लिए थे। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी तैयार नहीं है तो आप पिसे हुए टमाटर को, जब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उसके तुरंत बाद, आप टमाटो प्यूरी डालकर उसको भून सकते हैं। अब दाल में तैयार टमाटो प्यूरी डाल देते हैं। दाल के साथ कर दिया है मिक्स और इसमें बहुत बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। इन सभी चीज़ों को दाल में मिक्स कर देने के बाद इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। मखनी दाल को हम जितनी देर तक पकाते हैं उसमें उतना ही बढ़िया फ्लेवर आता है। दाल को पकाते समय हम दाल को बीच बीच में से ऐसे चलाते रहेंगे इस तरह से, जिससे कि ये पैन में ना लगे और एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो। दाल को पकते हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गई हैं। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं। अब डाला है मैंने इसमें देसी घी। घी के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया, इसके बाद जाएगा इसमें देगी मिर्च, कसूरी मेथी, अमूल बटर। इन सभी चीज़ों को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर करेंगे, जिससे कि हमारा तड़का जले नहीं। बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े, और तड़का तैयार कर लेने के बाद इसको हम डालेंगे दाल के ऊपर। इस तरह से हमारी मखनी दाल बनकर एकदम रेडी है। इसको थोड़ा सा हिला देते हैं, जिससे कि
और इसके बाद डाल रही हूँ मैं फ्रेश क्रीम जो कि मैंने घर पर ही बनाई है। आप इसकी जगह अमूल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार मेरे कहने से आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में ये रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर देती है। इसको गार्निश कर रहे हैं बारीक कटे हुए हरे धनिए से। इस रेसिपी को फॉलो करके आप घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।